अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मौत और उससे उठा सियासी बवंडर अभी शांत हुआ ही नहीं था कि बहराइच से आई तस्वीरों ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। बहराइच जिले में नकली शराब का धंधा धड़ल्ले से फल फूल रहा है और किसी भी अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं लग रही है। ऐसी लापरवाहियां एक दिन बड़ी महामारी की शक्ति इख्तियार कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन की खास खबर। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें बहराइच जिले के थाना मोतीपुर के ग्राम सभा खैरी समय साकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये शख्स घर के अंदर बैठकर आराम से कच्ची शराब का व्यापार कर रहा है और तो और इसके इर्द गिर्द ग्राहक भी बहुत आराम से बैठे हुए हैं। जमीन पर बैठकर ये शख्स बोतल से कच्ची शराब प्लास्टिक की थैलियों में भर रहा है और ये थैलियां ही ग्राहकों को बेची जाती हैं। दूसरी तस्वीर में दिख रहा ये शख्स पलंग पर बैठा हुआ है, उसके हाथ में एक प्लास्टिक की थैली है जिसमें कच्ची शराब भरी हुई है। ये शख्स उस कच्ची शराब को प्लास्टिक की 2 लीटर वाली बोतल में भरेगा और उसके बाद उस शराब को छोटी छोटी शीशियों में भरकर बेचेगा, जिसे पीने के बाद क्या होगा किसी से छिपा नहीं है। खैर, अगली तस्वीरों की तरफ चलते हैं। इनमें एक महिला है जो प्लास्टिक की थैलियों से भरी हुई कच्ची शराब भगोने में भर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये महिला शराब को भगोने में क्यों भर रही है, तो जनाब आपको बता दें कि ये महिला कच्ची शराब की व्यापारी है जो पहले कच्ची शराब को प्लास्टिक की थैलियों से निकालकर भगोने में भरेगी और फिर उन्हें कैन और उसके बाद ही इन्हें छोटे छोटे बोतलों में भरकर बेच रही है। ये वही लोग हैं जो बहराइच जिले में कच्ची शराब के धंधे को धड़ल्ले से ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आबकारी अधिकारियों को इस तरह की हरकतों के बारे में कुछ पता नहीं है। शाम ढलते ही इस तरह की दुकानों पर भीड़ लग जाती है। दरअसल ये कच्ची शराब दुकानों पर बिकने वाली देसी शराबों से काफी नशीली और सस्ती होती है, इस लिहाज से ही गांव देहात के लोग इसका सेवन ज्यादा करते हैं। लेकिन इस शराब में ऐसे कई केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिन्हें पीने से इंसान की मौत तक हो सकती है, जैसे कुछ दिनों पहले ही अलीगढ़ में हुआ। अलीगढ़ में अब तक करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से कई लोग गंभीर बीमारी से भी जूझ रहे हैं। इस मामले पर खुद CM योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। अलीगढ़ के हालात तो सुधर गए, लेकिन दूसरे शहरों के हालात जस के तस बने हुए हैं। ये खबर हमारे संवाददाता राजेश कुमार चौहान ने कवर की है। खैर, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर आबकारी विभाग इस तरह के काले कारोबारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक और लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।